लोग मुझे सड़क शेफ एक रीजन से बुलाते हैं, क्योंकि मेरी डिशेस दिल से तो होती है देसी बट विद अ टच ऑफ फिरंगी फ्लेवर्स। तो चेनू ने तो अपना पिज्जा जो है बना दिया है, बट आई नीड टू कम अप विद समथिंग दैट गोज अलोंग ऑन द सेम लाइंस। नान जो है काफी पॉपुलर है इंडिया में, और नान को अगर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पतला बेला जाए तो शायद उसका पिज्जा बन जाए। ओह वेरी गुड आइडिया। मेरी मॉम की रेसिपी आज मैं बनाऊंगा। उन्होंने मुझे एक ऐसा खमीर बनाना सिखाया था जो आप तैयार करके नेचुरल। ओके सो कैसे बनाते हैं? हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत दूध और पानी को लूक वार्म करना है। थोड़ा सा वार्म करना है तो मैं थोड़ा सा पानी डालोगी इसमें? ऑफ कोर्स। क्या ये जैसे दही बनाते हैं उस टाइप का तरीका है? सेम ऑलमोस्ट। बस कल्चर को हमें स्टार्ट करना है। तुम वार्म वाटर इसमें डालती हो? हाँ। राइट करेक्ट। तो ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ मैं। तो हमने लिया 2 टेबलस्पून वाटर, 2 टेबलस्पून दूध। राइट। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। और ये तुम्हारा स्टार्टर है? जी बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ यीस्ट? यस। वाओ दैट्स एक्साइटिंग। आई लव लर्निंग न्यू टेक्निक्स लाइक दिस। तुम चीनी डाल रहे थे अपने यीस्ट में, तो मैं चीनी डाल रहा हूँ दही में। दूध जो है वार्म हो गया है, ज्यादा गर्म नहीं? नहीं नहीं, उबालना नहीं है। अब इसमें दूध डाल देंगे। अब इस कल्चर को हमें मिनिमम आधा घंटा या फिर 2 घंटे रखोगे तो बेटर है। देखो तुम्हारे रेसिपी में भी रुकना पड़ता ही है। पर जब तुम्हारा पिज्जा पक रहा था और मैं आइडियाज के बारे में सोच रहा था, तब मैंने ये कल्चर बना के रख दिया था, क्योंकि ये तो हमारा कल्चर तैयार है, पर तुम्हें सिखा दिया मैंने कैसे बनता है। अब हमें क्या करना है? आटा गूंदना है। मैदे में डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, अ बिट ऑफ सोडा। जबकि हम कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर थोड़ा सा सोडा की जरूरत है। हाँ। तुमने यीस्ट मिलाया था? हाँ। मैं अपना कल्चर मिला रहा हूँ। So we're going to mix this culture with our maida. तो लीजिए ये तो गुन गया। इसको अपने हाथ से राउंड करके जैसे तुमने किया था, ताकि पहले तो तुम इतना कंप्लेन कर रहे थे मेरे रेसिपी के बारे में, ये तो बताया नहीं कि 2 स्टेज प्रूविंग कल्चर को 2 घंटे पहले बनाना पड़ता है, ये सब जो करना पड़ता है। हाँ अच्छा तो इसको अभी 10 मिनट के लिए छोड़ दें गर्म जगह में। राइट, नॉट इन द फ्रिज, नहीं नहीं गैस के पास या ओवन के पास। अच्छा ओके लेट्स वेट देन। ओह सो तुमने जूली एंड जूलिया यहां पे ऐड कर दिया है। यू नो आई लव इट, इट्स सच अ स्वीट फिल्म। इट्स सच अ स्वीट फिल्म, वो तो छोड़ो, लेकिन जूलिया चाइल्ड लेजेंड। लेजेंड तो है ही, और वो मेरे स्कूल में गई थी, यू नो ला कोतो ब्लर इन पेरिस। और मेरी उसके बाद रात तो देखी तुमने। So sweet, right? So 10 मिनट हो गए हैं। Oh, okay. वो याद है वो सॉसेज को कैसे स्मेल करता है? ऐसे। बिल्कुल वैसे ही। तो मैं उसको कॉपी करती हूँ। जब भी मैं एक सॉस स्मेल करती हूँ। तुम थोड़ी लगती भी उसी की तरह। Are you calling me a rat? But I'm calling you the chef rat. Thanks, yeah, Saransh. That makes it so much better. You know how many people are fans of that rat? Even I am a fan of him. अच्छा इसको फिर से ऐसे हार्डकोर नीड करना पड़ता है। जी ये सेकंड नीडिंग और सेकंड प्रूफिंग होगी। अब इसको हम लोग रखेंगे पूरे 2 घंटे प्रूफ होने। इसका पिज्जा बनेगा? जी हाँ जी। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, अब दो को डिवाइड कर लेंगे इक्वल पीसेस में, बड़ा सा रोल करेंगे जैसे तुमने किया था, बट मेरे पिज्जा बनेंगे रेक्टैंगल, थोड़ा लंबा करेंगे इस तरीके से, ताकि इसको फिर हम
रेक्टेंगल बना हुआ है। कुलचे की तरह, नान की तरह हो तो रहा है बिल्कुल। तो बेसिकली हमें जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चाहिए था वो हमें मिल गया है। अच्छा चलो चीनू, इसके लिए तुम्हें +10 points मिले। वाओ, क्या? मैं तुम्हें हिंट दूंगा। हाँ। और तुम्हें गैस करना है कि वो मूवी कौन सी थी। ओके। तो इस मूवी में जो मेन एक्टर था वो एक टीचर था, और चलो मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ एक्टर का, अनुपम खेर। अच्छा तुमने कुछ कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम, सो अगर तुम्हारे नाम से कुछ कनेक्शन है तो पिक्चर का नाम सारांशी होगा। नो, 10 points गए। अरे इतना बड़ा हिंट दोगे तो और क्या होगा। सो नान सीधा जाएगा ओवन ट्रे पे, जैसे तुमने पिज्जा डाला था। एग्जैक्टली। काफी लंबा पिज्जा है ये वाला। तो चीनू अब टाइम आता है इसमें सॉस डालने का। पिज्जा एंड पास्ता सॉस। एब्सोल्युटली। व्हाट इज दिस? तंदूरी मशरूम। तुम करो भाभी की चिकन और मैं करूंगा तंदूरी मशरूम। तो इसको थोड़ा थोड़ा स्लाइस कर। चीज भी क्या चीज है, ना चीज है, चीज चीज ही ऐसी। सॉल्ट, कुछ लोग बेजिल एंड में डालते हैं, मैं जो हूँ चीज के साथ ही डाल देता हूँ। अरे तुमने तो एकदम फ्यूजन वाली नान पिज्जा की यार। चलो इन द ओवन इन यू 220 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 15 minutes। सुपर। चीनू, नान पिज्जा इज रेडी। खुशबू आ रही है। आहा। ओह, इट्स परफेक्ट। अरे वाह। पिज्जा नान बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल ईस्ट बनाएं। उसके लिए एक पैन में पानी और दूध को मिलाकर गर्म कर लें। फिर एक कप में चीनी, दही, दूध और पानी का मिक्सचर डालें और कुछ देर रख लें। अब आटा बनाएं। उसके लिए एक बोल में मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही का मिक्सचर डालें और गूंद लें। अब आटे को क्लिंग फॉइल से कवर करके कुछ देर रख लें। अब आटे में थोड़ा सा ऑयल डालें और कुछ देर और रखें। फिर आटे को डिवाइड करके बेल लें। फिर बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा मैदा, डेलमोंटे पिज्जा एंड पास्ता सॉस, येलो ग्रीन एंड रेड पेपर्स, चीज, नमक, बेजिल लीव्स, तंदूरी मशरूम्स डालें। 220 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक बेक करें और गर्मा गर्म पिज्जा नान सर्व करें। पिज्जा हो गया, नान पिज्जा हो गया। आई थिंक इट्स टाइम फॉर सम पॉपकॉर्न। ब्यूटीफुल एम्बर कलर कैरेट। ओए, पहला पॉपकॉर्न पॉप हो गया। वाह वाह, क्या आवाज है, क्या आवाज है।